बोलन ना देवी, खिसकन ना देवी, हलन ना देवी। ऐसे अहमक उल्लू लोग हैं, ना दीन पढ़ा है, ना कुरान पढ़ा है, ना शरीयत पढ़ी है, बस सिर्फ पैसा कमाना पढ़ा है और कुछ भी नहीं पढ़ा। पैसे कमाने के इल्म को इल्म थोड़ा ही कहते। जो मेरे नबी ने जिंदगी सिखाई उसका नाम इल्म है, उसका नाम इल्म है। वो मेरे नबी ने 11 घर आबाद किए, शौक के थे। 25 साल का नौजवान 40 साल की औरत से शादी करता, इसी को कह दो 40 साल दी माई तेरे नाल शादी करनी तो तैयार है, प्यो का घर छड़ के नस जावे। एक मंगनी टूटी हजरत खदीजा, एक मंगनी टूटी वरका बिन नौफल से। एक शादी हुई अबू हाला, एक बेटा एक बेटी, अबू हाला फौत हो गए। दूसरी शादी हुई इब्न आबिद, एक बेटा पैदा हुआ वो फौत हो गए। दो निकाहों से बेवा, एक मंगनी टूटी हुई औरत से मेरे नबी ने 25 साल की उम्र में 40 साल की औरत से शादी की और 25 बरस जिंदगी के साथ गुजार दिए। और 50 साल के बाद जब हिम्मतें जरा कम होना शुरू होती हैं तो इकट्ठी 10 शादियां की, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। आपने कहा मा तज़व्वजतु वमा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। सुन लो लोगों, मुझे औरतों का कोई शौक नहीं। मैंने जहां शादी की, मैंने जहां बेटी दी, पहले आसमान से मेरे रब का फरिश्ता आया कि यहां शादी फरमाएं, फिर मैंने ये कदम उठाया। यहां बच्ची दें, फिर मैंने ये कदम उठाया। आपने हजरत अली के निकाह का खुतबा पढ़ते हुए फरमाया कि लोगों, मेरे पास जिब्रील आया है अल्लाह का पैगाम लेकर कि मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली के साथ करता। फिर आपने हजरत फातिमा का हाथ पकड़ के हजरत अली के हाथ में दिया और फरमाया अली वाह तुझे नबी की बेटी मुबारक। फिर आपने कहा फातिमा, जो मुझे खानदान में सबसे प्यारा था मैंने तेरा हाथ उसके हाथ में दे दिया। तो भाइयों, अपने इस रिश्ते को आबाद करो हुस्न सुलूक के साथ। दूसरा लफ्ज है, दूसरा लफ्ज है, इसमें तो सिर्फ मर्दों को कहा कि तू इसे खेती बना के लाया है, इसकी हिफाजत तेरे जिम्मे है। हमारा चौके वो मेरी माँ है, तूने तू मेरी माँ देखो बोलना नहीं, तू मेरी माँ है, मेरा प्यो है, तू कुछ नहीं बोलना, बस तू ठीक है ना बोलो, पर उसे जुल्म तो ना करने दो, उसे ज्यादती तो ना करने दो। ये हमारे मुआशरत है, सकाफत है। दूसरा लफ्ज बताता हूं, मेरे अल्लाह ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने पहले मुझे कहा यानी मर्दों को कि तेरी बीवी तेरा लिबास है, फिर औरतों से कहा तेरा खाविन तेरा लिबास है। जान बहन दोनों को अल्लाह ने ये खिताब किया, तेरी बीवी तेरा लिबास है। अब मुझे इतना बता दो, जब हमें गुस्सा चढ़ता है तो कभी अपने कपड़े फाड़े, कभी आस्तीन फाड़ी, कभी उसके ऊपर चाय गिराई, या उल्टा नैपकिन रख के बैठते हो कि कोई ऊपर सालन का कतरा ना गिरे, रोटी का जर्रा ना गिरे। किस तरह लिबास को हिफाजत से रखा जाता है और इस्तेमाल किया जाता है, तो मेरा अल्लाह एक पैगाम और दे रहा है, जितना लिबास को हिफाजत से रखते हो, इतना इस रिश्ते को हिफाजत से रखोगे तो तुम्हारा घर खुशियों का गहवारा बन जाएगा। याद रखना मेरे भाइयों, चीज़ों से घर में खुशियाँ नहीं आती, शक्ल सूरत से खुशियाँ नहीं आती, सिर्फ अखलाक, सिर्फ अखलाक, सिर्फ अखलाक एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जो घर को जन्नत बना देता है। आपने फरमाया इश्तनबुल खदरा अद्दमिन, आपने फरमाया खदरा दमिन से बचो, खदरा दमिन से बचो। साहब ने कहा या रसूलल्लाह खदरा दमिन क्या होता है? मेरे नबी की अरबी वो थी कि सारे दंग रह जाते थे, तो इसलिए सहाबा अरबी हैं लेकिन मेरे नबी के जुमले को समझे नहीं। या रसूलल्लाह खदरा दमिन क्या होता है? आपने फरमाया बद अखलाक खूबसूरत औरत, खूबसूरत औरत बद अखलाक का, उससे बचना, उसे काली से शादी कर लेना, लेकिन बद अखलाक से तेरे पल्ले पा गए उस दिन दिन तारे भी खा दे। इश्तनबुल खतरा अद्दमिन,
आपने फरमाया नरमी की कोई शक्ल होती तो कायनात की हसीन तरीन शक्ल होती और सख्ती की कोई शक्ल होती तो कायनात की बदतरीन शक्ल होती। और मेरे नबी ने फरमाया कि आयशा अल्लाह जो नरमी पे देता है वो सख्ती पे नहीं देते। लिबास की जितनी हम हिफाजत करते हैं इतनी इस रिश्ते की, ये दो अल्लाह औरत से कह रहा है तो अपने खाविंद के रिश्ते को इस तरह बचा जैसे लिबास को बचाती, और अल्लाह मुझे कह रहा है कि तो अपनी बीवी के रिश्ते को इस तरह बचा जैसे लिबास को बचाते हो। और दूसरा पैगाम इसमें ये है लिबास मेरे सबसे ज़्यादा करीब, ये मेरे करीब बैठे हैं लेकिन लिबास से करीब नहीं, लिबास सबसे ज़्यादा मेरे करीब है, मेरे जिस्म के साथ लगा हुआ है। इसमें एक पैगाम है कि ये रिश्ता सबसे करीब रिश्ता है, इससे करीब ना माँ है ना बाप है ना औलाद है, इसमें किसी को एंटर होने की इजाज़त नहीं है। गलत तरीके से, अच्छे तरीके से एंटर हों तो सुभान अल्लाह, गलत तरीके से एंटर हों तो उनको एंटर होने की इजाज़त नहीं है। इसलिए अलग घर की से ज़िंदगी शुरू करने का कहा गया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में अज़वाज मुतहरात का कुछ ने ना हज़रत फातिमा को तैयार किया कि जो हमें आयशा से शिकायत है, आप तशरीफ लाएं। तो अब हज़रत आयशा के घर में उन्हीं के साथ एक चारपाई पर बैठे हुए थे, तो आपने कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ दी मुझे तकलीफ दी, जिसने इसे खुश किया उसने मुझे खुश किया। जब कभी आप सफ़र पे जाते थे तो सारी बीवियों को मिलकर आखिर में हजरत फातिमा से मिलते थे, जब सफ़र से वापस आते थे तो सबसे पहले फातिमा को मिलते थे फिर बीवियों को मिलते थे, इतना प्यार। वो आई या रसूल अल्लाह, कहा जी बेटा कैसे आए, कहा वो बाकी बेगमात ने कुछ आयशा के बारे में शिकायत की है। तो आपने ये नहीं फरमाया बेटी क्या शिकायत की है, आपने क्या फरमाया, कहा बेटी जिससे तेरे बाप को मोहब्बत हो तो उससे मोहब्बत नहीं करेगी, क्या तुझे ये पसंद नहीं कि जिससे तेरा बाप प्यार करे तू भी प्यार करे, कहा जी कम मैं आयशा से प्यार करता हूँ। तो अपने बेटी को नहीं एंटर होने दिया। बहुत से बाप बच्चों की वजह से बीवी को जलील करते हैं और बहुत सी माएँ बच्चों की वजह से खाविंद को जलील करती हैं, ये दोनों बेअकल और बेवकूफ़ हैं। ये वो रिश्ता है कि इसमें किसी को एंटर होने की इजाज़त नहीं, ये सबसे करीब तरीन लिबास सबसे करीब होता है। दूसरी बात, लिबास क्या करता है, मेरे ऐब छुपाता है, मेरे जिस्म की कमियां छुपाता है। तो खाविंद बीवी का रिश्ता वो है कि एक दूसरे की कमियां छुपाओ, ढंडोरा ना पीटो, या तो उल्टे इल्ज़ाम लगा के एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा के तलाक तक पहुंचे होते हैं। और लिबास के लफ्ज में इशारा है कि इस रिश्ते को खूबसूरत बनाओ, कि लिबास तो मैं खूबसूरत बनाता है, लिबास में इशारा है कि लिबास तेरे ऐब छुपाता है, तो अपनी बीवी की कमियां छुपा, बीवी अपने खाविंद की कमियां छुपाए, उसकी शिकायत ना बनाए वरना घर उजड़ जाएगा। और आजकल के बड़े भी इतने नादान हैं कि ना उन्हें छोटों को लेके चलना आता है, ना वो उलझ जाएं तो उन्हें सुलझाना आता है, वो उल्टा और दो चार लकड़ी पा के आग होर बाल के आ जाते हैं। मेरे नबी हजरत किस घर में झगड़ा नहीं होता, मेरे नबी हजरत फातिमा से मिलने आए, वो उदास जरा परेशान, आपने कहा फातिमा क्या हुआ, कहा या रसूलल्लाह मेरा और अली का झगड़ा हो गया। इससे खूबसूरत जोड़ी में और कहाँ से बयान, मेरे नबी के बाद कायनात की हसीन तरीन जोड़ी है अली और फातिमा। आपने कहा अली कहाँ गया, काजी बाहर निकल गए। जन्नत में क्या मकाम है, कहा आपने फरमा फातिमा तू मैं हसन हुसैन अली हम पांचों क्यामत में इकट्ठे हों, मकाम इतना बड़ा है। और दुनिया में क्या हो रहा है, जो होना चाहिए झगड़ा हो गया, काली कहाँ है, काजी बाहर चले गए। तो अब आपने ये नहीं कहा मैं सुसर हूँ बेटी वाला हूँ मैं दामाद के पीछे जाऊँ, अब खुद चल पड़े, किसी से नहीं फरमाया अली को बुला के लाओ, खुद ढूंढने निकले, जाके देखा तो मस्जिद में लेटे पड़े थे और चादर हट गई थी तो मिट्टी लगी थी कमर पर सोए, तो आपने से उठाया अबू तुराब उठो उठो, उठ के बैठे तो अल्लाह के नबी घबरा गए, तो आपने उनका हाथ पकड़ा कहा आओ मेरे साथ और सीधे घर ले गया, जाके बिठा के
मामला नहीं शुरू, हाँ भाई बोलो फातिमा क्या हुआ, हाँ भाई अली बोलो क्या हुआ। जो इस तरह करते हैं ना वो और लड़ा देते हैं, जाते हैं सुलह कराने और दो चार लीटर होर पवा के आ जाते हैं। मेरे नबी ने ये नहीं किया कि हाँ अली क्या मसला था, फातिमा क्या मसला था, अब लेट गए जमीन पर, जमीन पर लेट गए। इधर हजरत अली को लुटाया कहा इधर आओ, इधर हजरत फातिमा को लुटाया फातिमा इधर आओ, देखना अली का हाथ पकड़ के अपना यहाँ रखा, इधर से फातिमा का हाथ पकड़ के अली के हाथ पे रखा और फातिमा के हाथ पे अपना हाथ रखा। अब ये अली का हाथ, ये फातिमा का हाथ, ये मेरे नबी का हाथ। और आपने फरमाया बच्चों बोलो हमारी सुलह हो, बोलो हमारी सुलह हो। तो दोनों ने कहा हमारी सुलह हो गई। तो इतने खुश हुए कि ऐ नूर, चेहरे से नूर निकलने लगा। जब आप बाहर निकले तो सहाबा ने फील किया या रसूल अल्लाह आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। फरमाया मैं अली और फातिमा की सुलह करा के आ रहा हूं। इसलिए भाइयों जब किसी की बेटी को लेके जाओ तो अल्लाह के वास्ते सलूक अच्छा करो, उसे नौकरानी ना बनाओ, उसे इज्जत दो और अपनी वसत के मुताबिक उन पे खर्च करो, उनको दे के खुश हो, उनसे हिसाब ना मांगो। अल्लाह ताला ने तुम्हारी आने वाली नस्ल इस बच्ची के साथ जोड़ी है, ऐसे ही बच्ची के जिम्मे है कि वो जिस घर जा रही है उसे अपना घर बना ले, बच्चे के वालदेन को अपने माँ बाप बना ले, उसकी बहनों को अपनी बहनें बना ले, पीछे जो छोड़ कर आई है तो उन्हें माँ बाप बना ले। अगर दोनों तरफ से ये हो तो कितना खूबसूरत सिस्टम हो जाए, लेकिन दोनों तरफ से खिंचाव पैदा होता है। इसकी इब्तदा 99% ससुराल से होती है, 1-2% लड़की ऐसी बेवकूफ होती है को आते ही उजाड़े शुरू कर देती है। वरना जितने हालात मैं सुनता हूँ उसमें 98-99% लड़के और लड़के के वालदेन का और अजीज़ों का हाथ होता है। भाइयों कोशिश करो हम रिश्तों को खूबसूरत बनाएं, रिश्तों को आग ना लगाएं, अपनी जबान के बोल को मीठा रखें, जबान के बोल को खूबसूरत रखें तो रिश्ते आबाद हो जाते। और तीसरी बात लफ्ज़ लिबास में है कि लिबास हम अपनी पसंद का पहनते हैं। जब आदमी बड़ा हो जाता है, छोटा होता है तो माँ बाप पहना देते हैं, जब बड़ा हो जाता है तो कहते नहीं मुझे ये कलर नहीं चाहिए, मुझे ये कलर चाहिए, मैंने ये कप, मैंने कॉटन लेनी और मैंने वॉश एंड वेयर लेना है, मैंने गर्म लेना है, मैंने ठंडा लेना है, मैंने नीला रंग लेना है, मैंने सब। हम अपनी पसंद का कपड़ा लेते हैं। माँ बाप भी कहते हैं ठीक है अब तुम बड़े हो गए हो। लिबास के लफ्ज में इशारा है किसमें लड़के लड़की की पसंद को ज़रूर पूछा जाए और उसका ख्याल किया जाए। अगर मेरी बेटी मुझे कह दे कि मुझे यहाँ शादी नहीं करनी तो वो मेरी नाफरमान नहीं, उसने शरीयत का हक इस्तेमाल किया है। मेरा बेटा कह दे कि अब्बा मैं यहाँ शादी नहीं कर सकता तो ये उसका हक है, वो कह सकता है मैंने यहाँ मैं नहीं कर सकता कि ज़िंदगी इन बच्चों ने गुजारनी है। हम अपनी राय मुसल्लत कर देते हैं, नहीं बस इतना ही करनी है, ऐसे ही करनी है। खास तौर पर हमारे देहातों में बच्ची तो गाय की तरह है, जिधर उसको रस्सी से बांध दो वो बेचारी बंध जाती है। पूछना होता है, पूछो बेटे से राय लो, बेटी से राय लो, वो हाँ करे फिर कदम उठाओ, वो इनकार कर दे तो उसे नाफरमान ना समझो। और कौम ना देखो, जोड़ देखो, जोड़ जहां बने वहां शादी कर। मेरे नबी ने अपने खानदान में भी की, हजरत आयशा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत खदीजा, हजरत हफ्सा, हजरत ज़ैनब, और अपने कौम में की हजरत जुवेरिया, हजरत मैमूना। ये अपनी कौम है, पहले खानदान की है फिर कौम है, फिर कौम से बाहर की हजरत सफिया, यहूदी कबीले बनो कुरैज़ा में से हैं, आपने उनसे शादी फरमाई। और इन बुतों को पाश पाश किया कि रिश्तों में मुनासबत देखो, ये ना देखो कि बस हम चुनियोटियाँ चुनियोटियाँ जी करना है और हम मेहमान है मेहमान में ही करना है, ये ना देखो, ये देखो कि जोड़ है कि नहीं है। जोड़ है तो अपनों में हो तो सबसे अच्छी बात, अपनों में ना हो तो कौम ना देखो, फिर जोड़ देखो, मुनासबत देखो। अगर वो हाँ ना करता बच्चा, बच्ची उसे हक हासिल है, उसे अल्लाह ने ये हक दिया है। हजरत अली रिश्ता मांगने आए, मैं पहले सुना चुका हूँ कि जिब्रील आ चुके थे कि रिश्ता यहीं देना है, तो आपने हाँ नहीं की, आपने कहा इंशाल्लाह।
हज़रत अली ने के रिश्ते फरमाया इंशाल्लाह और उठ के चले। सहाबा ने पूछा हजरत अली से क्या हुआ, का इनकार हो गया। का इनकार कैसे, का कुछ बोले ही नहीं। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पूछा कुछ बोले थे, का इंशाल्लाह कहा था, कफर मुबारक को हो गया। नबी का इंशाल्लाह हाँ ही होता है, ये क्यों नहीं कहा हाँ ठीक है मुझे मंजूर है। जिब्रील आए बैठे हैं कि यही रिश्ता करना है, फिर आप कह रहे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह की कसम हमें सबक सिखाने के लिए था। आप घर गए और अपनी बेटी को बुलाया कि बेटी फातिमा अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं। अल्लाह अकबर, क्या ख्याल है। हजरत फातिमा कहेंगी नहीं, ये तो आज की हमारी बेटियां इस दौर में बेचारी चुप कर कर उठ के चली जाती हैं, तो वो तो जन्नत की औरतों की सरदार, मेरे नबी के आंखों का तारा, जिगर का टुकड़ा, और आप कह रहे हैं फातिमा अली का रिश्ता आया है हाँ कर दूं। जब हजरत फातिमा ने हाँ की तब आप बाहर निकले का अली लोगों को बुलाओ। फिर ऐसे मस्जिद में लोग जमा हुए और आपने उनका निकाह पढ़ाया। तो भाइयों ये निकाह से मुतालिक चंद बातें हैं। अपनी मेरे नबी की जिंदगी, इबादात मुख्तसर और अखलाकियात आलीशान, और घर हों, रिश्ते हों, कारोबार हों, बाजार हों, इन सब की खूबसूरती अच्छे अखलाक के साथ। अब मालिक हैं तो नौकर से अच्छा सलूक करें, नौकरानी से अच्छा सलूक। अब बाप हैं औलाद को इज्जत दें, अच्छा सलूक करें। खाविंद हैं बीवी को इज्जत दें, बीवी है खाविंद को इज्जत। आप सास हैं बहू को इज्जत दें, आप ससुर हैं बहू को इज्जत दें। आप भाई हैं बहन को इज्जत दें, आप पोते हैं दादा दादी को इज्जत दें। ये जो जहरीले जुमले और निश्तर और चुभो देने वाले तीर ये आदमी को मार देते। ताइफ के लोगों ने मेरे नबी को पत्थरों मारे, और जब वो मक्के आए मदीने आए कलमा पढ़ने तो आपने उनका इस्तकबाल भी किया और रोजाना रात का खाना उनके साथ खाते थे। ठीक है, पत्थर मारे, इतने मारे कि जख्मी करके गिरा दिया, मरने वाले हो। लेकिन जब वो आए तो आपने वार्म वेलकम, आओ भाई रात का खाना रोजाना उनके साथ खाते थे। अब मक्का जा रहे हैं फतह करने, दो आदमी आ गए, जी हम तौबा करने आए हैं और कलमा पढ़ते हैं। ताइफ वालों से तो रिश्ता भी कोई नहीं। ये दो आदमी, एक फूफी का बेटा अब्दुल्ला बिन उमैया, एक चाचे का बेटा अबू सुफियान बिन हारिस, एक चाचे का बेटा एक फूफी का बेटा, कितना करीबी रिश्ता है। और उन दोनों ने इजाजत मांगी कि हम आके तौबा करना चाहते हैं। आपने फरमाया मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उन्हें कहो चले जाओ जहां से आए हो, मुझे नहीं मिलना, ना मुझे तुम्हारा इस्लाम कबूल है, ना मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगा। पत्थर मारे थे, तलवार मारी थी नहीं, तीर मारा था, नेजा नहीं, थप्पड़ नहीं, जबान की बकवास की थी। आपने फरमाया ये अब्दुल्ला ने मुझे हरम में कहा था आसमान पे चढ़ के फरिश्ते भी लेकर आएगा ना तो भी तुझे नबी नहीं मानूंगा। आपने कहा मुझे इसकी बात नहीं भूलती। और ये अबू सुफियान मेरे बुराई में शेर कहा करता था, शेर व शायरी किया करता था, मुझे इनका इस्लाम कबूल नहीं है। जब नबी जैसा अजमतों वाला जबान के बोल का इतना दर्द महसूस करता है तो हमारी क्या हैसियत। हम तो गंदगी के कीड़े लोग, इसलिए अल्लाह के वास्ते अपनी जबानों को मीठा कर लो, अपने बोल मीठे कर लो, अपने तंज के जहरीले जुमले अंदर डाल लो, अंदर डाल लो, सबर कर लो, तो ऐसी ताकत बनोगे कि हर आदमी तुमसे प्यार करेगा। ये सारे रिश्तों को आप